दरअसल ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लंबे समय से मांग रही है कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अब वो मुराद पूरी होने वाली है। दरअसल सूत्रों से मिली खबर सामने आई है कि यूपी सरकार जल्दी ही राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने वाली है। दरअसल योगी से मिलने के बाद राजभर ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री उनकी मांग को मान गए हैं। अब मुख्यमंत्री ने भर और राजभर जाति को एसटी कैटेगरी में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने के लिए समाज कल्याण विभाग को आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि भर और राजभर बिरादरी को यूपी में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वे अनुसूचित जनजाति में आते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये मुद्दा राजभर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति में राजभर जाति का अच्छा खासा वोट बैंक है, और बड़ी बात ये कि सभी राजभर एक मुश्त तरीके से किसी भी पक्ष में वोट करते हैं और अपना एक नेता मानते हैं। वहीं राजभर के लिए समाज को देने के लिए ये सबसे बड़ी मांग थी, जिसको लेकर वे अपनी राजनीति की गोली घुमाते रहते थे। जहां निषाद जाति को लेकर निषाद पार्टी आगे बढ़ती है, तो वहीं राजभर जाति के लिए सुभाष पर एक मुश्त दिखाई देती है। साथ ही साथ आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने और बताने के लिए ये बड़ा मुद्दा खेल खेल सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार भर राजभर जाति वाले जिलों में सर्वे कराएगी, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यहां से ये मामला ओआरजीआई को सिफारिश के लिए भेजा जाएगा और अंतिम मोहर संसद के माध्यम से इस मुद्दे पर लग जाएगी। फिलहाल 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां लगातार अपने अपने मुद्दे सेट करने में लगी हुई हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का स्टेटस कब तक मिलता है। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।